हो चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूँ विपिन यादव और आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन छात्रों के लिए जो देश की सेवा करना चाहते हैं और सरहद पर लड़ना चाहते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि बहुत बड़ी खबर है आपके लिए, बड़ी खुशी की खबर है। जो अपनी देश की सेवा करना चाहते हैं एक सुरक्षा बल बनके, एक सिपाही बनके, तो उनके लिए ये खबर आ गई है, एसएससी जीडी ने नोटिफिकेशन दे दिया है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले सबसे फटाफट क्या करिए कि आज से ही ये ऑनलाइन करना शुरू हो जाएगा, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें डेट भी दिया हुआ है, डेट्स फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/7/2021 से 31/8/2021 तक, मतलब 17/7, ये सातवां महीना अपना चल रहा है, 17/7/2021 से 31/8/2021 तक। तो लास्ट का इंतजार मत करना, अभी जाओ, आज जाओ, कल जाओ और खत्म करो, परसों के लिए मत छोड़ना। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, दिक्कत होने लगता है, आप जानते हैं कभी कभी सर्वर फेल हो जाता है जिसके वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। जिनका भी एज हो गया है 18 से 23 उनके लिए है। अच्छा, रिजर्वेशन में जो भी है जिनको एज का रिलीफ मिलता है वो भी यहाँ पर दिया गया है। हम सबसे पहले जो मेन बात है उस पर कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप डेट जान गए, 17/7 से 31/8 तक आपको जाके फॉर्म भर लेना है, ठीक है। अब 31 का इंतजार नहीं करेंगे हम, इसी 2-3 दिन में काम खत्म करेंगे। पोस्ट कितने आए हैं वो जान लीजिए, इधर मेल का दिया हुआ है, इधर फीमेल का दिया हुआ है। आप यहां पर देख लीजिए मेल के लिए जो दिया हुआ है, किसके लिए कितना दिया हुआ है आप देख लीजिए, आप किस में आते हैं। जैसे फोर्स में BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, NIA, SSF, तो टोटल यहां पर दिया हुआ है। SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, UR के लिए यानी जनरल के लिए, तो SC वालों के लिए BSF में 1026 पोस्ट है, CISF में 1133 पोस्ट है, CRPF में 0 है इनके लिए, SSB में 604 है। इसी तरह जोड़ के SC वालों के लिए 3359, ST वालों के लिए 2356, OBC वाले के लिए 4973, EWS के लिए 2212 और ये जनरल के लिए कितना है 9524। सब अगर टोटल जोड़ लेते हैं तो यहां पर आ जाता है आपका टोटल 22424। तो दोस्तों 22424 यहां सबका टोटल कर दिया गया है और नीचे सबका टोटल यहां पर आपको दिया हुआ है 22024। और इधर फीमेल में भी उसी तरह 25271, तो मान के चलिए कि ये मोटा मोटी लगभग 47,000 प्लस सीटें हैं। तो आपको क्या करना है कि जल्दी से जल्दी, ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए, इसको मत गवाइएगा, बहुत आपने इसके लिए संघर्ष किया है। बाकी सारा नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, मैं मेन पॉइंट आपको बता देता हूं एक बार। ये कोड नंबर है कैटेगोरी का 01 SC ST के लिए, 02 OBC के लिए, 03 एफ सर्विसमैन के लिए। और इसमें यह दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन जो है, ये इसमें दिया हुआ है कि अगर SC ST वाले हैं तो 5 साल, OBC वाले हैं तो 3 साल, इसी तरह एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का, तो ये एज के लिए आपको छूट दिया हुआ है। आगे 10 साल इनके लिए, चिल्ड्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984। तो ये सारे नोटिफिकेशन जो है आप इसको देख लेना आज। और मैं आता हूं अब मेन मुद्दा पर, थोड़ा सा मेन मुद्दा हमारा मिलेगा 12वां नंबर पेज में, जो जानना जरूरी है। अच्छा, एक ये भी सर्टिफिकेट कैटेगरी, ठीक है, अगर आपने NCC सी सर्टिफिकेट ले रखा है तो इंसेंटिव यानी बोनस मार्क्स जो मिलेगा इंसेंटिव वो 5%, और अगर NCC बी सर्टिफिकेट आपने ले रखा है तो 3% और ए वालों के लिए 2%। तो NCC वालों के लिए यहाँ पर बहुत ही फायदे वाली बात है अगर आपने NCC कर रखा है तो। अब चलिए एक चीज और है, ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड, मतलब एग्जाम कहाँ कहाँ होगा उसके लिए दिया हुआ है। तो ये आपका भागलपुर का है, जो भागलपुर वाले वो 3201 ये सेंटर कोड हुआ आपका, दरभंगा का 3202 है, मुजफ्फरपुर 3205, इसी तरह पटना का 3206, पूर्णिया का 3209, आगरा का 3001, बरेली का है 3005, गोरखपुर का 3007, झांसी का 3008, यह आपको सेंटर कोड डालना है। जो सेंटर कोड डालेंगे वहां आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से आगे भी है, यहाँ पर कानपुर, लखनऊ, मीरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है। अब देखिए ये सारी कोड दिए हुए हैं, आप इसमें देख लेना आप किधर आपको क्या जरूरत है, कहां से है, तो उसके हिसाब से यहां पर आप कोड अप्लाई करिएगा। आगे एक चीज मेन है, ये आपसे सवाल पूछे जाएंगे, सवाल क्या पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले इसमें है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। उसके बाद है पार्ट बी आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस से आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। और है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से आएगा आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। और उसी तरह इंग्लिश लीजिए या हिंदी लीजिए, कोई एक लेना है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, यानी आपके टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर, टाइम मिलेंगे 90 मिनट। बहुत अच्छा है, एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग को इसकी अब तैयारी में लग जानी है, और आपने तैयारी कर रखा था तो आगे बाकी चीज तो बहुत बात है, लेकिन मेन बात आपका यही था। अच्छा, ये आपके हाइट के लिए है, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी सारी चीजें हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई हमें इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है अपनी तैयारी के लिए, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप नोटिफिकेशन देख चुके हैं, आप देख लीजिए, अगर ये सारी शर्त आप पूरा करते हैं फॉर्म भरिए और आज ही शुरू हो जाइए, ठीक है, क्योंकि अब हम एक दो दिन में लगातार क्लास शुरू कर देंगे। तो पहले आप फॉर्म भर लीजिए, फिर हम लोग क्लास में लगातार शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, यही नोटिफिकेशन देना था, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे आपका। थैंक यू, धन्यवाद, और हाँ इसको शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।